राजस्थान को राजाओं का देश कहा जाता है। आज भी राजस्थान में कई रजवाड़े हैं जो शान और शौकत की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इनमें से कई रजवाड़े राजनीति में एक अहम मुकाम रखते हैं। आज हम बात करेंगे राजघराने से आने वाली उन तमाम महिलाओं की जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में न केवल परचम लहराया बल्कि एक अलग पहचान भी बनाई है। जल्द ही इस सियासी गलियारे में एक और राजकुमारी की दस्तक होने वाली है। वो कौन है और वो किस पार्टी से लड़ने वाली है चुनाव, उससे पहले आपको प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री के बारे में बता देते हैं। दरअसल प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार वसुंधरा राजे ग्वालियर राजघराने की बेटी और धौलपुर राजघराने की बहू है। वहीं जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया भी राजसमंद सीट से बीजेपी की सांसद हैं। अब बीजेपी में महारानी और राजकुमारी की तरह ही कांग्रेस में भी एक राजकुमारी है जो जल्द ही चुनावी मैदान में दस्तक देती हुई नजर आ सकती हैं। इनका नाम है राजकुमारी रुक्षमणि। राजकुमारी रुक्षमणि चौमू राजघराने की रानी है। चौमू राजघराने की नींव राजा कर्ण सिंह ने 1565 में रखी थी। कहा जाता है कर्ण सिंह के बनवाए चौमूहा किला के कारण ही इसका नाम चौमू पड़ा। रानी रुक्षमणि की शादी महाराज आदित्य कुमार से हुई थी। सेना में मेजर आदित्य कुमार जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान साल 2011 में शहीद हो गए थे। महज 32 वर्ष की उम्र में जीवन साथी को खोने के बाद रानी रुक्षमणि ने अपने कंधों पर घर परिवार का भार संभाल लिया। रुक्षमणि कुमारी अपने बेटे महाराज पृथ्वीराज के साथ रह रही हैं, जो करीब 15 साल के हैं। चौमू में किले में ही वो निवास करती हैं, जिसकी कीमत अगर निकाली जाए तो आज के समय में अरबों रुपए की है। सामाजिक सरोकार निभाते हुए रानी रुक्षमणि एक एनजीओ भी चलाती है जो गरीब बच्चों और महिलाओं के उत्थान का काम करता है। साथ ही कुछ विदेशी संस्थाओं के साथ मिलकर वो 3 बड़े प्रोजेक्ट्स और चला रही हैं, जिनमें वृक्षारोपण, महिलाओं का उत्थान और छोटे बच्चों का एक प्रोजेक्ट शामिल है। सामाजिक सरोकार के साथ रानी रुक्षमणि ने राजनीति में भी दस्तक दी है और इसके लिए उन्होंने चुना कांग्रेस का हाथ। जनवरी 2018 में रुक्षमणि को कांग्रेस ने राजस्थान की ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया। 2022 में जब राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी तो रानी रुक्षमणि ने राहुल गांधी के साथ खूब कदम ताल किया था। अब 2023 के विधानसभा चुनाव नजदीक आने पर कहा जा रहा है कि रानी रुक्षमणि चौमू सीट से चुनाव लड़ना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस से टिकट भी मांगा है। आपको बता दें चौमू सीट से वर्तमान में बीजेपी से विधायक रामलाल जाट है। रामलाल जाट प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता भी है। माना जा रहा है कि अब कांग्रेस बीजेपी की महारानी और राजकुमारी के सामने रानी रुक्षमणि को उतार कर नया दांव चल सकती है।